हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल आज आम रेसिपी हूल पनीर टिक्का मसाला तार कारण मैं एन स्टील केराही लैसो और केराही मैं हाई फ्लेम गरम करते मैं एड करूँ डांगर चामुचेरे दुचामुच मिठातेल और मिठातेल हाई फ्लेम गरम हर पीछे मैं गेस तो अफ कर दी और 15-20 सेकेंड मान कारण तेलखि ठंडा हमें और तार पिसत ताते मैं दिसु ठंडा हुआ पिसत मैं ताते दिसु बेसन डांगर चामुचेरे दुचामुच और बेसन खिनि दि मैं भालके तेलर सहित गुटेखिनि मिक्स करि लैछु और ताते दिसु मैं काश्मीरी रेड चिली पाउडर और गुटेखिनि दियार पिसत मिक्स करि मैं याते एड करिछु जीरा पाउडर तार पिसते दिसु मैं चाट मसाला सरु चामुचेरे आधा चामुचको दिसु गुटेखिनि और तार पिसते दिसु धनिया पाउडर और गरम मसला सरु चामुचेरे आधा चामुचको दिसु गुटेखिनि पाउडर गोटेखिनि मसाला मैं सौ चामुचेरे आधा चामुच दी और गोटेखिनि मैं इतना मिक्स कर लैसो और इते मैं एड करसूरी मेथी कईटामान बेसि नए और इतना मैं इते दी आदा नहर पेस्ट सौ चामुचेरे एक चामुच और ये भलको इतना मैं मिक्स कर लैसो और इतना मैं इते दी निमख स्वाद अनुजा दी और पे ये मैं आको इतना भल्क मिक्स कर लम और इते मैं इतना दी अक नेमु रस आधा फल नेमु मैं काटि पे इस दूसरे और नेमुख दिशा मैं इते दीम सौ चामुचेरे चार चामुच पर दई ए दईख मैं ये आको भल्क मिक्स कर लम मन रखी आम प्रथम तलखनी दीम तलख ठंडा हर पीछे आम बेसन एड कर और इतना मैं इतने केपसिकम और पिंज एड कर पिंज दी मैं आधा फल एने के स्क्वायर साइज काटे चेस्ा करपसिकम दी मैं आधा फल यह मैं स्क्वायर साइज काटे चेस्ा करक मैं इतने दी पे ये आको मैं मिक्स कर लम और ये धुनिया मिक्स कर लिशन मैं इतने दी पनीर पनीर प्राय 15 टुकुरा मान आस या पनीर खिनि दि मैं आको ये भलदरे सानी प्राय 20 मिनट मानर कारण रेस्ट कर दूँ और इतना मैं एन केराही गरम कर मीडियम फ्लेम और इते दी मैं रिफाइन अइल सौ चामुचेरे दुचामुच पर इतना मैं इते दिल पिंज एकदम सौ सौको कुटी ला दूटा पिंज एर पिंजि मैं प्राय रंगचुआ हो जो लेकिन भाजि लम पिंजि प्राय 8-10 मिनट मान 8-10 मिनट मान समय कारण भाजि और इते इतना मैं दी आदा नहर पेस्ट सौ चामुचेरे एचामुच और ये मैं आको इतना भल्क भाजि लम पिंजि भाजि लिशन मैं इते दी विलाही डांगर विलाही सौ सौको कुटी ला और इं विलाही इतना मैं पिंजर धुनिया के मिक्स कर लम और प्राय 10 मिनट मानर कारण मैं ये आको भाजि लम और ये मैं प्राय मीडियम फ्लेम भाजी गोटेखी और इतना मैं इते दी स्वाद अनुजाई निमख निमख एकदम कम परमाणर दी कारण आम मेरीनेट करोते निमख दी थोड़ा और इतना ये प्राय 5-6 मिनट मानर कारण मैं ढाकन मारि दीम और 5-6 मिनटर पीछे एय ढाकन मारि दियार पीछे देखिसेने केनेको तेलखिनि उलाय आहिसे तथापि एखिनि आमि आको 5-6 मिनट मानर कारण आको भाजि लम और भाजी हर पीछे आम ये अफ कर पे अक ठंडा हमले दीम ठंडा हर पीछे आम ये मिक्सित मारी पे धुनिया पेस्ट बना लम और इतना मैं एक केराहते जीखी पनीर मैं मेरीनेट कर रखी पनीर खि आम फ्राई कर मैं रिफाइन अइल और अक दी मैं पनीर खि फ्राई लैसो गोटेखि पे आम भल्क फ्राई कर लम पनीर खि प्राय 10-12 मिनट आम फ्राई कर पनीर खि मेरीनेट करोते जी जी बस्तु दिसिलु आम बस्तुख रखी जाए तेन्दे थोड़ी बेलेगे पीछे आम काम आको एबार एबार आम लुटिया दीम पनीर खि एने के प्राय 10-12 मिनट भाजार पीछे आम पनीर खि भाजा हो जागे आमार पनीर खि भाजा प्राय और पनीर खि आम काढ़ी लम बेलेग एन प्लेट और सी एक केराहते आम जीख पेस्ट करज विलाही आदा नहर जीख पेस्टखि आम इतम दरकार हम अक पानी दी क्यों बड़ बेसि हेरी हो जाए डाठ हो जाए बस्तुखि
সেয়া আৰু এখিনি আমি প্ৰায় এতিয়া 6-7 মিনিট মানৰ কাৰণে ভাজি লম আকৌ মিক্সাৰ খিনি পৰা তেল আহি তেলটো উলাই যোৱা লৈকে আমি ফ্রাই কৰিম আৰু যিখিনি মেৰিনেট কৰোঁতে আমি দই ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ আৰু দই লগত যিখিনি আছিলে সেই গুটিখিনি আমি থৈ দিছিলোঁ সেইখিনি আমি ইয়াতে আকৌ এড কৰি দিছোঁ দি পেলাই এখিনি আমি আকৌ এটা ফ্রাই কৰিম ইয়া তেলখিনি প্ৰায় উলাই গৈছে তথাপিও আমি আৰু অলপ সময় ভাজি লম এখিনি আৰু ইয়াতে মই এটা এড কৰিছোঁ জিৰা পাউডাৰ হৰু চামুচৰে আধা চামুচ কোৰিয়েণ্ডাৰ পাউডাৰ হৰু চামুচৰে আধা চামুচ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ হৰু চামুচৰে এক চামুচ দিছোঁ এতিয়া এখিনি মই আকৌ ভাজি লম প্ৰায় 5-6 মিনিট মানৰ কাৰণে আৰু ইয়াতে এটা মই নিমখ দিছোঁ সোৱাদ অনুযায়ী আৰু কেইটামান চেনি দিছোঁ হাতেৰে একদম অকণমান চেনি দিছোঁ এয়া আমি গোটেইখিনি আকৌ ভালদৰে ভাজি লম তেল ওলাই যোৱালৈকে পেষ্টটোৰ পৰা যেতিয়ালৈকে তেল ওলাই যায় তেতিয়ালৈকে আমি এইখিনি ভাজি লম এয়া প্ৰায় তেল ওলাইছে ইয়াৰ পৰা আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে দিম যিখিনি পনীৰ আমি ফ্ৰাই কৰি থৈছিলোঁ পনীৰ কেপচিকাম আৰু পিঁয়াজ সেইখিনি দিম দি পেলাই আমি লাহে লাহে লৰাই দিম আৰু ইয়াতে মই পানী দিছোঁ চাহ খোৱা কাপেৰে 1.5 কাপ পৰিমাণৰ আৰু পানীখিনি দি পেলাই মই এইখিনি উতলিবলৈ দিম অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকোন মাৰি দিম প্ৰায় 10 মিনিটমানৰ কাৰণে কেইটামান ইলাচিও দি দিছোঁ মাজে মাজে লৰাই দিব আৰু তাৰপিছত মই ইয়াতে এড কৰিছোঁ ক্ৰীম সৰু চামুচেৰে 3 চামুচ ক্ৰীম দিছোঁ মই আমুল ফ্ৰেছ ক্ৰীম আৰু এইখিনি মই আকৌ অকণমান ভাজি ল'ম এতিয়া এয়া উতলি আহিছে কি ধুনীয়াকৈ তেলখিনি ওলাই গৈছে আৰু 5-6 মিনিটমানৰ পিছত এয়া আমাৰ পনীৰ টিক্কা মচলা হৈ গ'ল ইয়াৰ ওপৰত মই কচুৰি মেথি দিছোঁ এয়া মই ধুনীয়াকৈ কাঢ়ি ল'লোঁ গোটেইখিনি এটা পটত এয়া চাওকচোন ইমান ধুনীয়া হৈছিল দেখিবলৈ আৰু খাবলৈও বিৰাট টেষ্টি হৈছিল খাবলৈ বিৰাট টেষ্টি হৈছিল এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব থেংক ইউ